शिक्षक और बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए, क्योंकि लूसेंट बुक से चुन चुन कर ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने निकाला है। आप लोग को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं और कितना तैयारी करना है। ये 40 क्वेश्चन का सीरीज है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। देखिए इसका उत्तर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में तो बहुत सारे स्थल थे, लेकिन प्रमुख स्थल कौन कौन थे। देखिए वो था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख स्थल थे। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, यानी पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष स्थापित किया था। अकबर ने दीन ए इलाही स्थापित किया था, वह है 1982 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन, देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें से पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो देखिए ये हुआ था 1930 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य था। किसे बिहार का शेर कहा जाता है। किसे बिहार का शेर कहा जाता है, तो वो होगा शेर शाह सूरी को। शेर शाह सूरी को बिहार का शेर कहा जाता है। किस वर्ष भारत में संविधान लागू हुआ था। किस वर्ष भारत में संविधान लागू हुआ था, तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे, तो विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर थे। देखिए ये मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो अभी नेपाल में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज में चुना गया था। देखिए पहला भारतीय जो आईसीएस में चुना गया था वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पानीपत का तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठा और अफगान के बीच लड़ी गई थी, जिसमें अफगान की जीत हुई थी और मराठा हार गए थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, देखिए भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस भारतीय नेता ने की थी, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अखंड भारत की संकल्पना किसने दी थी। अखंड भारत की संकल्पना
किसे दी थी, तो ये होंगे वीर सावरकर। वीर सावरकर अखंड भारत की संकल्पना दी थी। अगर क्वेश्चन आप लोग को गलत लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में सही जवाब जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। देखिए 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, का अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने सत्याग्रह की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, किसने सत्याग्रह की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। देखिए सत्याग्रह महात्मा गांधी। लॉर्ड मैकाले किस क्षेत्र से जुड़े थे, लॉर्ड मैकाले किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो लॉर्ड मैकाले जो थे वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े थे। किसने पांच सील के सिद्धांत प्रस्तुत किए, किसने पांच सील के सिद्धांत प्रस्तुत किए, पांच सील के सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था, भारतीय संविधान का मसौदा भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, जिंदा पीर के नाम से कौन से मुगल बादशाह को जाना जाता था। देखिए जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था। देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख हर्षवर्धन ने लिखा था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देखिए प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो उत्तर होगा बिछेंद्री पॉल। भारत में कौन सा गवर्नर जनरल पीट्स इंडिया एक्ट लाया, कौन से गवर्नर जनरल पीट्स इंडिया एक्ट लाया। देखिए पीट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया। भारतीय पुनर्जागरण की अग्रणी कौन थी, भारतीय पुनर्जागरण की अग्रणी कौन थी, तो ये थी सावित्री बाई फुले। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ, तो देखिए इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में पारित हुआ। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड जो आपका काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। किसे दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है, किसे दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है, तो दार्शनिक राजा के रूप में अशोक को जाना जाता है। हरजन शब्द किसने गढ़ा, हरजन शब्द किसने गढ़ा, तो हरजन शब्द जो है वो महात्मा गांधी ने गढ़ा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था, तो देखिए ये हैं कुमार गुप्त। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, देखिए अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। कूटनीतिक का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, कूटनीति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, उत्तर होगा कौटिल्य, जिसको चाणक्य के रूप में भी जानते हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार से संबंधित रहते हैं। तो ये वीडियो को अगर आप लोग पूरा अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो आप लोग का जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को याद होगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।